गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में अगेंस्ट जाम गार्डन बैंकेट हॉल जरूरी, क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन, क्योंकि अब चल रहा काम और कुछ सामान जा रहा था हमारा यहाँ से बैंकेट हॉल से। भाई यहाँ पे अभी बैंकेट में आए थे और चाबी का इंतजार कर रहे थे कोठारी जी से, क्योंकि पार्किंग की चाबी भाई कोठारी जी के पास है, जो बैंकेट के हमारे बैंकेट के मैनेजर है। तो अभी आए नहीं है भाई, बाहर ही खड़े हैं और गाड़ी भी हमारी इधर ही खड़ी है। टीम को मैंने इधर शॉर्टकट रास्ते से अंदर से भेज दिया कि भाई आप यहाँ से जब तक सामान लो जब तक कोठारी जी नहीं आने। भाई कल है जन्माष्टमी का पहला दिन, क्योंकि जन्माष्टमी होती है यहाँ पे 2 दिन की, 6 और 7 तारीख भाई उसी में लगे हुए हैं। और आज पूरी मेहनत, रात के 2 बजे हैं, मेरे आज पूरा फाइनल करना है। भाई अभी निकल चुके हैं बैंकेट से मार्केट की, और भाई हमारे वहाँ को रोड बन रही है भाई, ऐसे ही रोड हो गई है, पूरी रोड उखाड़ के अब नई ताज़ी रोड बनेगी बिल्कुल मस्त सी ना। लेकिन अभी इसमें पानी वानी गिरा दिया है और रोड स्लिप भी मार रही है भाई, आराम आराम से चलना वरना तो सामने ट्रैक्टर गिरा रहा है पानी से, वरना धूल बहुत उड़ जा रही थी ना, ऐसे करके रोड में पानी डाला जा रहा है भाई। आज है बहुत कड़ी गर्मी, फेस पूरा ऐसे ढक लिया है कि ऐसा लगे कि सामने वाले कि भाई ये आँखों में पट्टी बात की गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के साथ साथ चलती गाड़ी। अभी मैं गोदाम के पास हूँ, तो अभी जा रहा था एक राउंड मंदिर मार्केट में, राम मंदिर, क्योंकि वहाँ पर जन्माष्टमी का बहुत तगड़ा मेला लगता है भाई, तो वहाँ पे भी एक ग्राउंड लेना है। वहाँ पे भी पंडित जी से दे रहा है, उनकी कॉल आई थी कि आ जाओ एक बार, सो वहाँ पर मिल लेते हैं। और हर बार ही हम लोग जन्माष्टमी में बहुत अच्छे से साथ रहते हैं, तो चलते हैं भाई। गर्मी ने तो बेतोड़ हो रही है, जन्माष्टमी में तो बारिश बहुत होती है, लेकिन अभी तक तो ऐसी धूप को देख के लग नहीं रही कि भाई बारिश होती है, बहुत तगड़ी धूप। और आजकल हमारे वहाँ की भाई रोड तो बिल्कुल सही नहीं हो रही कहीं की भी, मेन रोड के चक्कर में पीछे के रास्ता आया भाई। ये देखो इधर की भी रोड ऐसी है, ये तो बनेगी नहीं, इधर भी खेत सेंटर बाईपास हो बस। तो गाइस पहुंच चुका हूं घर में, और इस समय भाई 9 बज चुके हैं यहाँ, 9 बज चुके हैं भाई। उसके बाद दिन के बाद मैंने ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं, क्योंकि मैं भाई इतना काम भागे दौड़ी हो गई थी, क्योंकि कल की है जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी चक्कर में बहुत भागा दौड़ी हो रही थी कि मैं बिल्कुल कैमरा की यूज़ नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था मेरे पास। अभी मेरे को जाना है, गाइस अभी घर से निकल चुका हूँ मैं, और मैं जा रहा था गोदाम, तो कल है भाई जन्माष्टमी, तो उसके चक्कर मुझे सारे साइड में राउंड लेना पड़ रहा है। और अभी वो जब है पीछे बलाजी के पास रावण निकलता हूँ, गुप्पन दे रहा हो रहा बहुत तबड़ा। सो गाइस फाइनल मैं पहुँच गया हूँ अभी गौधाम में, रात के समय भाई, और यहाँ पे भाई कल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा बच्चों का वो है, तो ग्राउंड दिखाते हैं यहाँ का भाई। सारे परेड को तो इन्होंने मल्टी कलर शेड मार रखा है ये, और अंदर कीर्तन 24 घंटे चलते हैं, तो चलते हैं फिलहाल अंदर स्टेज पे। फाइनली पहुंच गए घर भाई, मंदिर से आते आते भाई रात के 1:30 बज गए, और अभी खाना ऑर्डर करा हुआ है रेस्टोरेंट से भाई, अभी बहुत लेट हो गई है। और होटल से अभी खुले होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन अभी भाई नितिन भाई लोगों को भेजा है, क्योंकि वो लोग मार्केट में ही है, वो कह रहे थे भैया हम आपके लिए खाना लेते हुए आ रहे हैं। रोज़ मतलब मार्केट लाइन में रोज़ लेट हो जा रही है, रोज़ काम इतना था ना भाई, इतना था, बाहर का नहीं खाऊँ होती है ना भाई, रोज़ बाहर का ही खा लेता हूँ फिर। तो इसी के साथ भाई अब कॉल कर लेता हूँ पहले उन लोगों को भी। तो गाइस अभी नितिन भाई को बुलाया मैंने, वो आउट एरिया में थे, लो आ गए फाइनली। चलो गाड़ी मोड़ो चलो बैठ ही जाते हैं आपके साथ। तुम कहाँ थे अभी तक? तो फाइनली भाई हम लोग अब जा रहे हैं खाना लेने, क्योंकि ये आउट एरिया में थे, उस मार्केट एरिया में थे नहीं, तो यही लेके आते भाई। 1:30 बजे अब रेस्टोरेंट खुलना बहुत मुश्किल है, समा खुला होगा ना, खुले होंगे ऊपर तो मार्केट में, ये तो कुछ मैगी वगैरह ही खा लेंगे। पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा बैग में पिज़्ज़ा है, बैग भाई फुल खा लिया। ऐसी है लॉन्डो की बेल्ले लाइफ, कब तक बेल्ले रहेंगे, कितने जावेंगे लेकिन ना छोड़ेंगे भाई। अभी दुकान पहुँचे हम, और हमें मिल रहा है खाली पीने का कुछ, बाकी रेस्ट पूरा खाली है। अब बाज़ार जाना पड़ेगा फिर, अभी हम मोहानी चौक पे भाई अपने से थोड़ी सी दूर, वही कौन सा जी रहा है
जोधपुरी जीरा, जोधपुरी जीरा पी के अभी काम पे आते, क्योंकि प्याज भी लगी है वो, उससे तेज पेट में दर्द हो रही बड़ी भयंकर की। तो गाइस अभी हमें कल कोई रेस्टोरेंट ही खाली नहीं मिला, आज तो पूरी मार्केट घूमा हर जगह। तो फिर यहाँ आ गया हमने भाई, बना आमलेट का ऑर्डर दिया है, तो बना आमलेट और मैगी खाएंगे आज। आज भाई बिना खाने की रात काली इनके चक्कर में, 12 बजे तक कब के 2 बजे आ जाए इस बंदे ने मैंने। देखिए भाई ऐसा टी पॉइंट मिला है, यहीं मैगी और वो खाने भाई, मेरे से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे खाने पीने भाई। अब इंतजार करते हैं अपने मैगी और अंडे का। दोबारा कहोगे इनको तिल कम डालना है, तिल पंजी जी तिल कम डालना, सरवार हो गया उनसे। तो बस फाइनली हमारा भाई अंबन आमलेट मिल गया, एक इनका और एक मेरा, तो यहीं गाड़ी में खड़े हो गया आज इसी का। वाह वाटर बोतल। सो गाइस भाई ये आज कुछ नहीं मिला खाने को, बस यही मिला हमें क्या, बन आमलेट मिला, तो वही खाया। मैगी भी ऑर्डर करी थी तो वहाँ पे कुछ भाई दिक्कत हो गई थी, चक्कर में हमने फटाफट भाई इधर को आ गए। और एक और चीज़ की मैगी बनाई थी जल्दीबाजी में, मैगी भूल आए। तो अब भाई घर पहुँच के भाई 2:30 बज गए, टाइम कितना हो रहा, 1:49 मतलब 2 बजने वाले हैं, तो 2 बजने वाले हैं भाई। अब अपने ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नींद आ रही बड़ी तड़ाकेदार, कल सुबह उठना है 7 बजे, क्योंकि भाई कल काम बहुत है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल में जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।